हेलो एवरीवन, मिल्ट रहेंगे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम ऐसे सब्जी की बात करने जा रहे हैं जिसमें 300 से अधिक रोगों के रोकथाम के गुण पाए जाते हैं। वह सब्जी है सहजन। इसको सेंजन या मुनगा आदि नामों से जाना जाता है। इसके अलग अलग प्रयोग से 300 से अधिक रोगों के रोकथाम में काम आता है। इसके प्रमुख गुण, इसमें 92 तरह के मल्टी विटामिन, 46 तरह के एंटीऑक्सीडेंट गुण, 36 तरह के दर्द निवारक और 18 तरह के एमिनो एसिड मिलते हैं। हेलो, अंग्रेजी में ड्रमस्टिक कहा जाता है। इसका वनस्पति नाम मोरिंगा ओलिफेरा है। फिलीपींस, मेक्सिको, श्रीलंका, मलेशिया आदि देशों में भी सहजन का उपयोग बहुत अधिक किया जाता है। ड्रमस्टिक के पौष्टिक गुणों की तुलना, 1 विटामिन सी संतरे से 7 गुना, 2 विटामिन ए गाजर से 4 गुना, 3 कैल्शियम दूध से 4 गुना, 4 पोटेशियम केले से 3 गुना, 5 प्रोटीन दही की तुलना में 3 गुना पाया जाता है। ड्रमस्टिक का प्रयोग दोष निवारण में, 1 इसकी सब्जी खाने से पुराने गठिया, जोड़ों के दर्द, वायु संचय, वात रोगों में लाभ होता है। 2 सहजन के ताजे पत्तों का रस कान में डालने से दर्द ठीक हो जाता है। 3 सहजन की सब्जी खाने से गुर्दे और मूत्राशय की पथरी कटकर निकल जाती है। 4 इसकी जड़ की छाल का काढ़ा सेंधा नमक और हिंग डालकर पीने से पित्ताशय की पथरी में लाभ होता है। 5 इसके पत्तों का रस बच्चों के पेट के कीड़े निकालता है और उल्टी दस्त भी रोकता है। 6 इसका रस सुबह शाम पीने से उच्च रक्तचाप में लाभ होता है। 7 इसकी पत्तियों के रस के सेवन से मोटापा धीरे धीरे कम होने लगता है। 8 इसकी छाल के काढ़े से कुल्ला करने पर दांतों के कीड़े नष्ट होते हैं और दर्द में आराम मिलता है। 8 इसके कोमल पत्तों का साग खाने से कब्ज दूर होती है। 9 सहजन की पत्तियों को पीस कर लगाने से घाव और सूजन ठीक होते हैं। 10 सर दर्द में इसके पत्तों को पीस कर गर्म कर सिर में लेप लगाए से आराम मिलता है।